हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। सबसे पहले बेटा चर्चा प्रॉब्लम भी करेंगे, फिर एक नया मेथड और सीखेंगे, फिर उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे, फिर वापसी आएंगे इसके दो क्वेश्चन और करने। अखे भाई, होमवर्क किया आपने? तो खड़े नहीं हुए आप, अगर लोग। सबसे पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम की चर्चा करता हूँ बाबू। क्वेश्चन नंबर 5, मैं होप कर रहा हूँ शायद किसी की कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे एक काम तो प्रॉब्लम आई होगी, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। आई प्रॉब्लम? आई है प्रॉब्लम? नहीं आई? चलो बता देते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन क्या होता है। कोई भी बता दो आपने से, पूरा खुला छुट्टी। अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं आई तो बाबू फिर मैंने कहा था आपकी नहीं आई तो भाई मेरी प्रॉब्लम है। क्या होती है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन? है बताओ कई रिटायरमेंट के बाद जो कंपनसेशन देते हैं। हाँ जी सर, आप कह रहे थे प्रॉब्लम नहीं आई, बताओ। प्लस माइनस करके खुश हो जाते हैं बच्चे आंसर निकाल के, कोई मतलब ही नहीं चीज का मतलब क्या है, ये भी नहीं जानते हैं नॉर्मल है नॉर्मल है। चलो जी ठाओ, कितने छोटे मासूम से प्यारे से बच्चे हो तुम। एबनॉर्मल इनकम ले प्लस, आओ जी सामने देखो समझते हैं बाबू। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन क्या होता है मतलब समझ लो। एबनॉर्मल लॉस था, ये पता है एबनॉर्मल था ना? पता नहीं, एबनॉर्मल था एड करा है वो स्टार के, है ना? आंसर आना चाहिए, है ना? तुम्हें और किस चीज से मतलब है जिंदगी में? तुम्हें सच में लगता है मुझे आंसर से मतलब है? पूरी 11 मेरे पास पड़े हो, क्या बोलता था मैं? 92 के आंसर मुझे चाहिए ही नहीं आंसर, मुझे तो रीडिंग चाहिए। चलो जी सुन लो, खैर बाबू कई बार ना बेटा 40 40 साल के इतिहास में एक आध बार बैंक या कोई और ऑर्गेनाइजेशन वीआरएस ऑफर करती है। वीआरएस का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये वीआरएस क्या है? एक बार बैंक ने ऑफर की थी मेरे को भी, तब से पता है, आपको बता देता हूँ क्या। बाबू बैंक में ना मैनुअल काम होता था, ठीक है ना? अगर आप ब्रांचेस देखो, छोटी छोटी ब्रांचेस में 15 15 लोग काम करते थे, बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस थी, 15 15 लोग थी। मैनुअल काम होता था, हाथ से लिखते थे अकाउंट में कितने पैसे जमा हो गए किसके, कोई निकालने आता था हाथ से ही लिखते थे कितने पैसे निकाल के ले गया कौन सी डेट को। फिर बाबू बैंक ने कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट किया कि हम तो पूरा रेवोल्यूशन ले आएंगे बैंकिंग इंडस्ट्री में, पूरा कंप्यूटराइज कर देंगे एनवायरमेंट। अब बाबू लोग धरने पर बैठ गए, आपको पता है इंडिया में अच्छी चीज के लिए भी कितना रेसिस्टेंस होता है। अब वो लोग धरने पर बैठ गए और हिलने का नाम ना ले। बैंक एम्प्लॉयज ने बहुत मुश्किल से, सीनियर एम्प्लॉयज ने समझाया कि आप में से किसी की जॉब नहीं जाएगी, उनके दिमाग में मित्र एक कंप्यूटर 100 आदमी का काम करता है, हमारी जॉब जाएगी। उन्हें समझाया कि आपकी जॉब नहीं जाएगी बल्कि आपको कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे, और खाली कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे नहीं, हम नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं, किसी की जॉब नहीं जाएगी, आपको किसी और ब्रांच में डाल देंगे, आपको किसी और ब्रांच में, जॉब किसी की नहीं जा रही, और अगर आप ढंग से चलाना सीख गए तो आपकी सैलरी भी डबल कर देंगे। ऐसा समझाया गया तो बहुत सारे एम्प्लॉयज ने बेटा उस स्ट्राइक को बंद कर दिया वहीं पर, और वह वो ट्रेनिंग पे जुट गए। बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहा था कंप्यूटर की, वो ट्रेनिंग लेने लग गए। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं बेटा जो एक एज के बाद कुछ नहीं सीखना चाहते। जो स्ट्राइक पर बैठे थे लोग, उनमें से कुछ इंसान ऐसे भी थे बेटा जो 52 साल के थे, जो 55 साल के थे, जो 57 साल के थे। आपको पता है इस एज में इंसान कुछ नहीं सीखना चाहता? आप ये चीज महसूस करके देख लेना, मैं तो रोज महसूस कर लेता हूँ। मेरे पिताजी की एज है लगभग इतनी, मैं उन्हें कहता हूँ आओ चलो आपको कार चलानी सिखाना, वो कहते बस भाई हो गई भाई। एक एज के बाद आदमी है ना वो जील ही खत्म हो जाती है, वो कहते बस ठीक है यार हमने अपनी जिंदगी जी ली यार, हमें क्या करनी, तुम चलाओ तुम बढ़िया हो। कभी कहते हैं मोबाइल चलाना सीख लो एंड्रॉयड, अरे मैं कीपैड फोन से खुश हूँ यार, मुझे नहीं चाहिए एंड्रॉयड, वो ये कहते हैं।
सर तो ऐसे इंसान उस टाइम पर भी थे, उस स्ट्राइक में भी थे जो नया नहीं सीखना चाहते थे, तो बैंक ने उनको कहा तुम वीआरएस के हो। वीआरएस मतलब वॉलंटरी रिटायर हो जाओ, अपनी मर्जी से रिटायर हो रहे हो, साइन कर दो पेपर कि मैं अपनी मर्जी से रिटायर हो रहा हूँ और हम आपको घर बैठने के भी 25,000 रुपये देंगे, 25,000 रुपये महीना। अगर आपकी जॉब 50,000 रुपये महीना थी तो हम घर बैठने के भी 25,000 देंगे। बेटा आपको लग रहा होगा कि इस केस में बैंक का नुकसान हुआ, बैंक का कुछ नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने उनको 25,000 देकर घर बिठा दिया। बैंक यंग ब्लड ले आया 25,000 रुपये में। भाई एजड पर्सन की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा है, उसके घर पे फैमिली है बच्चे हैं, लेकिन एक यंग ब्लड, एक 20-22 साल का लड़का, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन इसलिए वो 30,000 रुपये महीने में भी काम कर लेगा। उसको 30,000 रुपये में ले आए तो 5,000 रुपये घाटा हुआ, लेकिन एक यंग ब्लड आ गया। लेकिन एक बार बताओ क्या ये वीआरएस बार बार होगा? 40 साल में एक बार हुआ, समझ में आ रहा है? एक एबनॉर्मल खर्चा है जो बार बार नहीं होगा, ऑन दैट लॉजिक आपने इसको ऐड किया होगा। बच्चे कह रहे बिना लॉजिक के ऐड कर दिया हमने, लॉजिक छोड़ो तो आंसर आ गया हमारा। क्लियर है बात? वी आर एस समझ में आ गई? आगे बढ़ो जी। बाबू क्वेश्चन नंबर 6 किया आपने? भाई किया है, प्रॉब्लम किस किस किया है एड्रेस करो। प्रॉब्लम नहीं आई? कमाल हो तुम, रकम की भी प्रॉब्लम है, आसानी की प्रॉब्लम, मनसे ही प्रॉब्लम नहीं हो गया। वेरी गुड, चलो जी आओ सामने देखते हैं। यार तुम काम ही ऐसे करके आते हो, मुझे इतना गुस्सा आता है ना इस काम पे, बस प्लस माइनस करके खुश हो तुम। चलो आओ बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, तीन अलग अलग साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, सब सामने देखो बाबू, तीन अलग अलग साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। बेटा 2022 में प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख, कहता है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। अच्छा जी 2023 में 1,25,000 रुपए आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000, ठीक है जी। 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। आओ जी बाबू, ये 1 लाख दे रखा है, ये 1,25,000 दे रखा है, और ये शायद 1,12,500। यस लो बाबू, कहता है इस 1 लाख में से 12,500 रुपए एबनॉर्मल गेन किया। बाबू जब भी बोलता है ना एबनॉर्मल गेन किया, मुझे समझ में आए, मैं कल वाली बात सोच लूंगा, रेंटल इनकम है 5 स्टार की, डिविडेंड इनकम है। टोटल 5 स्टार ने प्रॉफिट 1 लाख रुपए कमाया, पर बेटा जो 12,500 का प्रॉफिट कमा रहा है ना, वो रिलायंस के शेयर से डिविडेंड आ रहा है उसको, दुकान से तो नहीं हो रही। दुकान से होने वाली इनकम चाहिए मुझे, दुकान खरीदने चलो 5 स्टार की, याद आ रही है मेरी कल वाली बात? तो बाबू ये नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट नहीं था, मुझे ये इनकम कभी ना होती अगर मैं दुकान खरीद लेता, बाहर निकाल दो ऐसे इनकम को, ठीक है। इसमें 25,000 का एबनॉर्मल लॉस है, मुझे कभी लॉस एबनॉर्मल लॉस समझना है तो मैं मान लेता हूँ दुकान में आग लग गई। बाबू दुकान में आग लगी, 25,000 का नुकसान हो गया। बाबू हर साल होगा क्या नुकसान? नहीं होगा ना, वापसी ऐड कर दो, यानी कि दुकान में नॉर्मली तो प्रॉफिट 1.5 लाख का चल रहा होगा, जब आग लगी 25,000 का नुकसान हो गया तो मैंने नेट प्रॉफिट दिखाकर 1,25,000 कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं? बाबू ये एबनॉर्मल गेन था हटा दिया, एबनॉर्मल लॉस था ऐड कर दिया। आओ लास्ट वाले बाबू, आपने माइनस कर दिया 12,500, आपका आंसर आ गया। क्यों माइनस किया? अब सुन लो, हाँ जी, हाँ इंक्लूड होने का मतलब हर जगह, इंक्लूड होने का मतलब जोड़ना नहीं होता ना। इधर देखो बाबू, मेरे बिजनेस का नेट प्रॉफिट चल रहा था 1.5 लाख रुपए, आग लगी होगी तो खर्चा डेबिट है, तो क्या होगा? सारे नुकसान सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, मैंने लिखा होगा पी एंड एल अकाउंट में टू लॉस बाय फायर, और नेट प्रॉफिट दिखाया होगा 1,25,000, ये है वो नेट प्रॉफिट जो मैंने दिखाया होगा। क्या इसको इंक्लूड करके ही मेरा आंसर है?
अगर मैंने इसको इंक्लूड ही ना किया होता, इंक्लूड करने का मतलब होता है कि जोड़ना नहीं होता, अगर मैंने इसको कंसीडर ना किया होता तो प्रॉफिट 1.5 लाख ही तो दिखाता। किसमें बाबू, अब पढ़ लेना एक बार बात। 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000, कहता है आपका प्रॉफिट 1,25,000 है आफ्टर चार्जिंग। इसमें चार्ज हुए हैं 25,000 रुपये एबनॉर्मल लॉस है, यानी कि नॉर्मली तो प्रॉफिट 1.5 लाख का था ना, समझ रही बात। यानी कि दुकान से सच मायने में 1.5 लाख का प्रॉफिट चल रहा था, आखिरी दिन आग लग गई, 25 का नुकसान हो गया, तो नेट प्रॉफिट तो 1.25 लाख ही दिखाया होगा, नो डाउट। पर बाबू मुझे तो वो प्रॉफिट चाहिए ना जो नॉर्मल है बिजनेस में, ये आग हर साल तो नहीं लगेगी, नॉर्मली तो 1.5 लाख ही कमा रहा हूँ मैं हर महीने हर साल। ठीक है, अब आओ इस बात पर, बाबू आपने प्रॉफिट दिखा रखा इतना और बाबू आपने माइनस कर दिया होगा 12,500, आंसर आ गया होगा, लॉजिक तो दे दो भाई। बाबू मेरी बात सुनो, इस ईयर में ना क्लियरली एक बात लिखी गई है कि इतना प्रॉफिट हुआ लेकिन 12,500 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सक्लूडेड है फर्म की प्रॉपर्टी पर। फर्म की कोई प्रॉपर्टी है, मान लो दुकान जिसमें हम पार्टनरशिप फर्म दत्ता करती है, कह रहे हैं कि इसके ऊपर इंश्योरेंस लेना चाहिए था, आपने लिया नहीं, 12,500 का खर्चा था। कहते हैं नाउ टू बी इंश्योर्ड, अब इंश्योरेंस करा लो। बाबू अगर मैं इंश्योरेंस कराऊंगा ऑब्वियसली बात है खर्चा प्रॉफिट कम होगा, मैंने ले लिया, पर यहाँ नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन जैसी कोई बात नहीं है। अगर आपने लिखना ही है तो आप लिखोगे नॉर्मल लॉस या नॉर्मल एक्सपेंस या इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, ये बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, इंश्योरेंस कराना पड़ता है, कराना चाहिए था, आपने कराया। अब मैं बताऊं क्या हुआ होगा मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ, सारा दिमाग एबनॉर्मल चीजों में होगा, और जब एक नॉर्मल चीज आई तो उसको एबनॉर्मल मान के प्लस कर दिया होगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, क्लियर है बात। रीडिंग इज इंपॉर्टेंट भाई, रटना नहीं, बढ़ाए बात को आगे। बाबू अब मैं ना 7th और 8th क्वेश्चन फिलहाल के लिए पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, जबकि मुझे होमवर्क कल देने थे, मैंने कम दिए। ठीक है, मैं एक नया मेथड लिख रहा हूँ, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर मैं दोबारा 7th 8th पर वापसी करूंगा अभी 5 मिनट बाद। ठीक है, लिखो नेक्स्ट कंसेप्ट फटाफट से, अब बैठ दो तीनों। से नोट डाउन करके बताओ, मैंने वेटेड एवरेज मेथड से गुडविल वैल्यू करने का एक तरीका लिखा है, कल हमने सिंपल एवरेज से सीखा था, आज वेटेड एवरेज से सीख रहे हैं। बेटा वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज कैसे निकलती है, अगर वैसे आपने पढ़ा है तो आपको याद आ जाना चाहिए, 11th क्लास में कभी स्टैट्स में निकाले वेटेड एवरेज मीन।
कभी निकाला है क्या वेटेड एवरेज मीन? बिल्कुल वही, ठीक है ना? और आज आपको पता लग जाएगा क्या क्या पढ़ा था, आई प्रॉमिस। क्या आज आपको बता दूंगा कि आपने क्या पढ़ा था, आपको खुद पता लग जाएगा आपने क्या पढ़ा था, क्या रटा था, ये भी पता लग जाएगा 100%। और मेरे को कभी कभी ना आईना दिखाने का जरूर मन करता है। आओ जी करते हैं बात बेटा। 7th और 8th क्वेश्चन सिंपल एवरेज पर ही है, सिंपल एवरेज अभी करेंगे, वापसी करेंगे इस पे। क्वेश्चन नंबर पहले 9th पढ़ लो। कहता है प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर, बाबू पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं फर्म के। बेटा 31st ऑफ मार्च 2020 20,000, 21 24,000, 22 में 30,000, 23 में 25,000 और 24 में 18,000। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 20 to 24। अच्छा जी बाबू, आपको 5 सालों के प्रॉफिट दिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया और आपको बेटा इन 5 सालों के अलग अलग वेट्स दे दिए 1, 2, 3, 4, 5। और आपको कहता है कि आपको वेटेड एवरेज मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट करेंगे, आप सामने देखते रहो। बेटा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 20,000, दूसरे साल का प्रॉफिट 24,000, देन 30, 25 और 18। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट ऐसे ऐसे, ये 20 का 31 मार्च और 31 मार्च 24 का, 21, 22, 23, 24। ठीक है जी बाबू, ये प्रॉफिट्स हैं और क्वेश्चन ने कहा इनको वेट्स देने हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, और बाबू इसके अकॉर्डिंग मुझे वेटेड एवरेज मेथड से गुडविल निकालनी है। बाबू याद तो सबको आ गया होगा थोड़ा थोड़ा 11th क्लास का, क्या होते हैं वेट्स? व्हाट डू यू मीन बाय वेट्स? तूने बताना है, तेरे से मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद है, तेरे से ना पूछूं फिर किससे पूछूं? कुंज भाई वेट्स क्या होते हैं? रट्टू तो कब तक रटोगे? हाँ मान्या जी स्पीको, संस्कृति मैंने कुछ खाए। मानसी जी, मानसी कह रही मुझे याद है वेटेड एवरेज देखा था तुमने। रिद्धि कुछ पता? चलो मैं इधर देखो फिर। नहीं पता, मैं बताता सर, मुझे नहीं पता कभी आपने कभी किसी ने आपको इस तरीके से बताया कि नहीं, पर मैं जरूर चाहता हूँ कि आप रटो नहीं चीज को समझो। मैं इधर देखना बेटा, वेट्स का मतलब ना सिंपली मेरी भाषा में जाओगे तो वेट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। बाबू आज आप 31 मार्च 24 को दुकान खरीदने चले 5 स्टार गनका की, ठीक है? उसने बोला देखो 31 मार्च 24 तो अभी गया 2 दिन पहले, और 31 मार्च 20 को गए हुए 5 साल पहले। उसने कहा 5 साल पहले मैं धंधे में क्या करता था, कैसी डिमांड थी, मुझे तो इतना कुछ समझ भी नहीं थी धंधे की। आज जाके मुझे समझ में आई है इस साल की इंपॉर्टेंस, साल के प्रॉफिट को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ, सबसे बड़ा वेट दिया उसने 5। उसने कहा तो पिछला साल गया 23, उसने कहा वो 1 साल पहले गया है, उसको मैं इससे कम इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ, 4 इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ। उससे पिछले साल उसकी इंपॉर्टेंस और कम है, उससे पिछला साल उसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है, और उससे पिछला साल उसकी इंपॉर्टेंस सबसे कम। बेटा वेट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। आज कुछ समझो, आज हम किसी का धंधा खरीदने जा रहे हैं जो इस टाइम पर एटमोसफेयर चल रहा है, 5 साल पहले वही था, तो इस साल के प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस आपको नहीं लगता सबसे ज्यादा? इस साल जो वो कमा रहा होगा एक्चुअली में अगले साल मुझे वही तो मिलेगा जो 5 साल पहले कमा रहा होगा, क्या मुझे वो मिल सकता है आज? उसकी इंपॉर्टेंस सबसे कम है कि नहीं है, खुद बताओ ईमानदारी से। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? सामने देखना मित्र। बाबू वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, मैं पहले वेटेड एवरेज निकालने सिखा दूँ। बेटा वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर दो उनके वेट्स के साथ।
प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर दो उनके वेज के साथ। चलो जी, कर दिया मल्टीप्लाई। पवो टोटल करना कितना आता है? 2,80,000, 3,00,000, 3,48,000। आओ जी, वेट का टोटल कर लो। कर लिया वेट का टोटल, ठीक है। सामने देखना बाबू, वेटेड एवरेज निकाल लो। वेटेड एवरेज कैसे निकलती है? प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय देयर वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। देख लो, पहले फॉर्मूला भी देख लो। क्या फॉर्मूला लिखा था? प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय द वेट। डिफरेंट ईयर के प्रॉफिट ले लो, मल्टीप्लाई कर दो उसके वेट के साथ। ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा। डिवाइड किसको कर दो? कहता है डिवाइड कर दो टोटल वेट्स के साथ। मैंने यही करा, डिफरेंट ईयर के प्रॉफिट वेट से मल्टीप्लाई करके लिख दिए और डिवाइड कर रहा हूँ टोटल वेट के साथ। मैंने आंसर नहीं निकाला, मैं आपसे भी नहीं चाहता हूँ, आप आंसर निकालो। पहले मेरी तरफ देखो, पहले मेरी तरफ देखो। मैं फिर यहाँ थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूँ, समझ लेना बाबू। वेट्स का मतलब समझ में आया ना? मैंने अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करी। वेट्स मीन्स इंपॉर्टेंस। आपको पता है करंट ईयर की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होनी चाहिए। आपको पता है जो धंधे में 5 साल पहले जो साल गया, क्या वैसा एटमोसफेयर आज की तारीख में? हो सकता है 5 साल पहले आपका कोई कंपटीशन ही ना हो तो आप बहुत मोटा प्रॉफिट कमाते थे। आज कंपटीशन आ गया हो तो शायद प्रॉफिट भी गिर गया हो, ऐसा हो सकता है ना। तो अब उस साल की इंपॉर्टेंस बहुत कम है दिखाई दे रहा है, करंट ईयर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक बात बताऊं, अगर कोई बच्चा यहां पर आंसर निकाला है 26,000 और उसको जस्टिफाई ना कर पाए तो मैं उसको बेवकूफ मानूंगा। मतलब मैं आधे से ज्यादा बच्चों को देखता हूँ, वेटेड एवरेज निकाल देंगे, गलत भी निकाल देंगे, उन्हें पता ही नहीं लगेगा उन्होंने गलत निकाली। मैं आज आप सबसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, वेटेड एवरेज अगर आपकी गलत निकलेगी तो आपको पता लग जाएगा। बताऊँ कैसे? इधर देखना, मैं इतना पता लग जाएगा आपको क्या किया था आपने 11th क्लास में। बाबू आपको दिखाई दे रहा है, इन दो प्रॉफिट को मैंने सबसे ज्यादा वेट दिया है। अगर आपका प्रॉफिट इन दोनों के बीच में ना आए ना तो समझ लेना आंसर गलत है। अगर मैं किसी चीज को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं तो आंसर उसके आसपास रहना चाहिए ना। आज 11th की बुक उठा के देख लेना, वेटेड एवरेज में जहां पर सबसे ज्यादा वेट दिया होगा ना उसके आसपास आंसर होगा, देख लेना। मैंने तो अभी इसी साल पढ़ानी शुरू करी, मुझे तो खैर आती भी नहीं थी। को 11th को पढ़ाई मैंने, वेटेड एवरेज में तुमको बताई मैंने बात। कह रहे हैं भाई ऐसे होता है, मैंने देखे ना, कोई भी क्वेश्चन करके देखे ना। और आप 12th में आ गए, बुलवाओ 11th के किसी बच्चे को भी बता के देगा तुम्हें आंसर किसके आसपास आएगा। मैं बताऊंगा भी वो तब भी बता देगा आंसर कहाँ आएगा। गुड मॉर्निंग, आप 11th पास हैं, पता नहीं कहाँ से भाई। बाबू अब कर लो जरा कैलकुलेट। बेटा वेटेड एवरेज आ गया 23,200, एज एक्सपेक्टेड। जिस चीज की इंपॉर्टेंस जितनी ज्यादा उसके आसपास आंसर। पर बेटा ये गुडविल नहीं आई, ये सिर्फ क्या आया? वेटेड एवरेज। मुझे क्या निकालना है? गुडविल। बेटा इस मेथड से गुडविल कैसे निकलती है? वेटेड एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कर रहा है सबको क्या होता है? अगर 5 स्टार जनता जैसी दुकान उसकी सेम जगह पर ले लूं, सेम साइज की शॉप ले लूं, तो बेटा उसके जितना प्रॉफिट कमाने में कितने साल लगेंगे? यही नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। तो बाबू वेटेड एवरेज मेरे पास 23,200 रुपये है और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो यानी कि बेटा गुडविल कितनी होगी? 69,600। ठीक है जी। अभी आपके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने किया, 10 आपके लिए होमवर्क है। और बाबू 7 और 8 ये दो क्वेश्चन हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, मतलब एक मैं करूंगा एक आपसे करवाना चाहूंगा। पर बाबू जो मैं क्वेश्चन करूंगा ना, मैं चाहता हूँ एक बार 5 मिनट आप उसके ऊपर खर्च करो। वो क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं पक्का करूंगा, ठीक है।
पर बाबू बड़ी जेन्युइन ट्राई करना, क्वेश्चन होना चाहिए, वरना देखो मैं हाथ पकड़ सकता हूँ। आपको क्या लगता है मेरा कराया हुआ क्वेश्चन बोर्ड में आएगा? मतलब ही सर यहाँ से सोचना शुरू कर दो, 12th अकाउंट्स ऐसे ही नहीं होगी। बस मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, ठीक है? 7th क्वेश्चन में पूरी जान लगा देना, आंसर आना चाहिए। 10 मिनट दिए पूरे जेन्युइन आंसर, ठीक है? 10 मिनट बाद मैं 1 मिनट भी नहीं सुनूंगा, वो मैं करूंगा फिर 7, ठीक है? अभी आज के लिए आप होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन नंबर 8 और 10, ठीक है? अभी 10 मिनट लो, 7th क्वेश्चन करके देखो बेटा। करते हैं एक बार क्वेश्चन, क्वेश्चन ढंग से रीड किया हुआ है? अब इतना तो मैं मान सकता हूँ रीड किया हुआ है। नंबर ऑफ पेयर परचेज कितने हैं? 4, ये भी नहीं पता। नंबर ऑफ पेयर परचेज कितने हैं? और 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना हमारे, उससे तो नहीं लग रही। अच्छा ठीक है, लो बोलता है बाबू 5 साल लिखने शुरू करो। 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 22, 23, 24, सामने देखना। पहले साल के प्रॉफिट में 1.5 लाख, फिर 3.5 लाख, फिर शायद 5 लाख, यहाँ पर 5 90 का लॉस, 7 लाख, 7 लाख 10 हजार। इधर देखना मित्रों, सामने बहना दे दिए मैंने 10 मिनट, अब आ जाओ, अब जागो मोहन प्यारे, यहाँ पर देखो। आज भाई बहुत दे दिया टाइम, आ जाओ। बाबू कहते हैं 1 अप्रैल 23 को आपने टू व्हीलर बाय किया और गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिखा दिया, यही करा? इधर देखना, कसम से बता रहा हूँ, आप नहीं, आधे से ज्यादा कोई इशू आता है, और आधे से ज्यादा ना इस एडजस्टमेंट को इस ईयर में कराते हैं। यहाँ है ना इशू, यही करना ना, तेरी गलती नहीं है इसमें, आधे से ज्यादा कोई इशू आता है। बच्चा रीड ही नहीं करता ढंग से। बेटा ये 31 मार्च 23 है, आपने कब बाय किया? 1 अप्रैल 23 को। 1 अप्रैल 23 को बाय किया तो किस फाइनेंशियल ईयर में जाएगा? लास्ट ईयर में। पहले मैं इधर देखो, अच्छे छोड़ दे बिल्कुल, क्योंकि मैं इसका बताऊंगा डिफिकल्ट लेवल क्या है। ये जो तुमने क्वेश्चन किया डिफिकल्ट लेवल नहीं है, मैं इसका लेवल बनाऊंगा अभी, रुक जाओ, मैं इधर देखते रहो। कहता है 1 अप्रैल 23 को आपने टू व्हीलर बाय किया और गलती से कहाँ दिखा दिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। मीटर देखना बाबू, अगर मैंने टू व्हीलर बाय किया एक्चुअली में, मुझे क्या करना चाहिए था? समझदार हुआ, बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए था, पर मैंने कहा दिखा दी, कह रहा ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिखा दिया। अगर समझदार हो, मैंने कहा ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिखा दिया होगा तो पी एंड अकाउंट में दिखाओ, मतलब मैंने अपना प्रॉफिट कम कर लिया होगा। सही करने के लिए क्या करूं, प्रॉफिट बढ़ा दूं? समझ में आ रही है बात? दिव्या सामने देख ले यार, अगर ये सच में समझा सकती होती तो फिर भी आना होता बाबू। समझ में आ रही है बात? टू व्हीलर बाय किया, कहाँ दिखाना चाहिए था? बैलेंस शीट में। दिखा कहाँ दिया? गलती से पी एंड एल अकाउंट में। अगर पी एंड एल अकाउंट में दिखा दिया, आपको नहीं लगता मैंने अपना प्रॉफिट कम कर लिया 1 लाख से? ठीक करने के लिए क्या करूं, 1 लाख से प्रॉफिट बढ़ा दूं? पक्की बात? ये लो, मैंने 1 लाख से प्रॉफिट बढ़ा दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? भाई पहले तुम ओके करते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ साफ सुन जाता है तुम्हें। 2 बार पूछिए, 1 बार बिल्कुल ठीक किया ना मैंने, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है देवे, ठीक है चलो जी। कहता है इस पे 25% डेप्रिसिएशन। बाबू अब तो मैंने ठीक कर दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस को यहां से हटा चुका हूँ, अब तो मैं बाइक दिखा चुका हूँ, टू व्हीलर बाइक दिया था मैंने 1 लाख रुपए। कहता है 25% डेप्रिसिएशन दिखाना है। अगर मैं 25% डेप्रिसिएशन दिखाऊं, यहां से डेप माइनस करूंगा 25,000, कहाँ जाएगा? पी एंड एल अकाउंट में जाएगा। 25,000 रुपये प्रॉफिट कम करना पड़ेगा 25,000 से। मैंने 25,000 का डेप दिखा दिया, ठीक कर दिया, ठीक कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कहता है इन दोनों सालों में एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 10,000 की। नॉन ट्रेड मतलब अगर आप रीड नहीं कर पाए ना तो वो दीवार में सर मार लेना, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा आसान कोई वर्ड दे सकता था। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड व्यापार में नहीं लगी हुई,
बिजनेस में भाई साहब धंधा की दुकान में नहीं लगी, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करिए वहां से 10,000 रुपए आए दोस्त। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कितना सिंपल वर्ड दिया उसमें, ट्रेड में नहीं लगाऊंगा, दुकान के अंदर नहीं है। आपका एक फ्लैट है वहां से 10,000 रुपये रेंट आ रहा है भाई, मुझे आएगा अगर मैं यही दुकान खरीद घूमूंगा तो नहीं आएगा उस फ्लैट पर रेंट, बाहर निकाल दो ना, इनकम ही नहीं है तेरी दुकान की। बेटा मैंने ये इनकम को बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ये आ गई नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज निकाल देना आंसर आ जाएगा। अब 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना, एक बार बोर्ड के पेपर में आया था क्वेश्चन लेवल बढ़कर, वो बता दूं कैसे बढ़ सकता है, मजा ही आ जाएगा बाबू। ये जो गलती मैंने बताई है ना लास्ट ईयर में, इस गलती को ना यहाँ शिफ्ट कर दूं अगर मैं, ठीक है, और क्वेश्चन में लिख दूं डब्ल्यू टी के हिसाब से 25% डेवलप होना है, तो एक्चुअली में पता क्या होगा, 1 लाख रुपए यहाँ ऐड हो गए, 25,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ माइनस हुआ, आधे से ज्यादा बच्चे गलती पता क्या करते हैं, इस और इसी का डेप एडजस्ट ही नहीं करते भाई, डेप तो फिर हर साल एडजस्ट होगा। अगर मैंने ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिखाने की गलती यहाँ करी होगी तो मैंने डेप तो किसी भी साल में करा होगा, अगर मैं सही करके बाइक यहाँ दिखाऊंगा तो बाइक पे डेप्रिसिएशन इस साल का भी लगेगा, इस साल का भी, इस साल का भी, और डेप भी किस पे लगेगा, डब्ल्यू डी बी पर, तब बढ़ेगा लेवल। पहले बताओ जो मैंने बात बताई वो बड़ी सी समझ में तो आई होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर मैं फिर वही कहूंगा, मैं हाथ पकड़ सकता हूँ पर आप चाहोगे कि हर मौका मिले आपका गला पकड़ने का, मौका पकड़ने का, आप चाहोगे मुझे हर क्वेश्चन रटवा दो, मैं रटने तो कुछ नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है आप शॉर्ट टर्म में जरूर कामयाब हो सकते हो, एक आधे महीने के लिए, एक आधे टेस्ट में स्कूल के नंबर आ जाएंगे, आपको लगेगा यार मैंने रट के बड़ा झंडे काट लिए, बोर्ड में नंबर नहीं आने के, लिख लो आज बेटा। सीबीएसई है, जिस साल अकाउंट्स का पेपर अबव एवरेज आ गया ना, मैं दिखाऊंगा शहर के हालात तुम्हें, एक साल देख लेना, एक पेपर अबव एवरेज आ जाए बस अकाउंट्स का देख लेना, आधे से ज्यादा लोग गायब हो जाएंगे मार्केट से बाबू। ये क्वेश्चन मेरा फ्रेम किया हुआ, अगर मैं इसको यहां उठा दू ना और डब्ल्यू टी वी डैप लिख दू, देख लेना क्या हो जाएगा, समझ में आ रही बात, इसलिए रीड करना सीख लो इसको, रटना बंद करो, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन अब। चलो मैं इसका सॉल्यूशन तो मैं दे नहीं रहा हूं, घर पर दोबारा अटेम्प्ट करना, 7 भी और 8 भी और 10 होमवर्क है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।